एचपी ऑफ वेंटिलेशन कैसे निकालते हैं, इवाजी वाले फार्मूला में बताया था, क्या बताया था, पी क्यू डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, इसको और आगे डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय 75। घर का खेती है क्या, जी पी क्यू को आर क्यू क्यूब लिख दिया, नहीं घर का खेती नहीं, इजी लिखा। देखिए पी का क्या फॉर्मूला होता है, पी इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है ना जी, एटकिंसन इक्वेशन। एटकिंसन इक्वेशन क्या था, पी इज इक्वल टू के एस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब। इतने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर, और ये क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर क्यू स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ वेंटिलेशन, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, इसी को यहां डिराइव किया। तो पी इज इक्वल टू क्या होता, आर क्यू स्क्वायर। तो इस पी की जगह पे मैंने कितना रख दिया, देखिए कैसे आइए, पी इक्वल टू क्या होता आर क्यू स्क्वायर, इतना दिमाग में रखिएगा। ठीक, इस पी की जगह पे मैंने लिख दिया आर क्यू स्क्वायर इंटू ए क्यू, ऑलरेडी है डिवाइडेड बाय 75। तो आर का आर लिखा, बेस से मैं तो इंडेक्सेस या पावर प्लस हो जाएगा, क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाय 75 आया ना जी। तो या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते या ये लगा सकते, आपके पास क्या क्या है। यदि प्रेशर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, रेजिस्टेंस क्वांटिटी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, समझ आया, एचपी ऑफ द वेंटिलेशन का क्या फॉर्मूला, ऑफ सिंपल में पी क्यू बाय 75 इज इक्वल टू आर क्यूब क्यूब बाय 75। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। ओके,